के मुताबिक जिस तरह मुल्क की सूरत हाल चल रही है, मैं सबसे इतना कहना चाहूँगा कि मुल्क को एक बेलौर, एक रहबर, एक साथी और एक अच्छे इंसान जो कि एज अ लीडर हो हमारे मुल्क को प्रमोट करें, सपोर्ट करें और जितनी भी बुराइयां हमारे मुल्क में आई हैं उन सबको दूर करें। हमें इस वक्त एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो कि हमारे मसाइल को समझे, हमें जाती तौर पर समझदार समझने की पूरी तरीके से कोशिश करें और इसके बाद जो मसाइल हमारी कौम को पेश रहे हैं उन सब के मसाइल को हल करने के लिए अपनी तौर पर पूरी तौर पे काम करें। जैसा कि जो बम धमाके हो रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा बुरा नहीं है, इस चीज़ को दूर करना चाहिए, लोगों को उसके अंदर कॉपरेट करना चाहिए। एक चीज मैं आपको बताता हूँ जी, जो आप बोल रही हैं लीडर के ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता उठता जा रहा है, लेकिन मैं नहीं समझता लोग किस तरह से अपने लीडर्स के ऊपर प्रेस करते हैं। लीडर्स नो डाउट पहले भी इन लोगों ने बहुत से काम किए हैं, बहुत शानदार प्रमोशंस किए हैं, कंपेन्स किए हैं, मुल्क की तरक्की के लिए काम किया है। अब इसके जो फैक्टर्स हैं उसको मैं प्रॉपरली बता नहीं सकता, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। लोग जो हैं वो यूजुअली चाहते हैं कि जहाँ पर उनको एक ऐसा मुल्क मिले जहाँ पर उनको अमन सुकून मिले, जहाँ पर महंगाई ना हो, जहाँ पर लोगों को प्रॉपर राइट दिए जाएं, जहाँ पर एक प्रॉपर सिस्टम बाउंड हो, एक सिस्टम के अंदर चीज़ें चल रही हैं और सिस्टम को फॉलो करके हम एक सक्सेसफुल नेशन बन सकते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है जो कि हम चाहते हैं कि हमारा लीडर हमें प्रोवाइड करे। ठीक है।